हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नया ट्रांसफार्मर को बैठाने में कितने रुपए तक खर्चा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नया ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन करने में कितने रुपये तक लागत आता है। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले हम लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, हर एक ट्रांसफार्मर का एक अलग अलग अपना रेटिंग होता है। जैसे कोई ट्रांसफार्मर 25 के VA का है तो कोई 63 के VA का, तो वहीं पे तो कोई 100 के VA का होता है। दोस्तों, हर एक ट्रांसफार्मर का एक अलग अलग रेटिंग होने के कारण उस पर अलग अलग चार्ज भी होते हैं। दोस्तों, हम अगर 63 के VA ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 90 से 95 हज़ार होता है। दोस्तों, 90 से 95 हज़ार तो इसका प्राइस होता है, और जो इसके साथ में जो प्रोटेक्शन के लिए और इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सब जोड़ते हुए और साथ ही साथ मजदूरी चार्ज भी जोड़ते हुए इसमें 1,50,000 के आसपास खर्चा हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाने कि 63 के VA का ट्रांसफार्मर को इंस्टॉलेशन करने में 1,50,000 रुपये तक की लागत आती है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 के VA का ट्रांसफार्मर को इंस्टॉलेशन करने में कितने रुपये तक की लागत आएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।